चंद्रपुर मनपा ने आपदा व्यवस्थापन मुहिम चलाई। इस दौरान चंद्रपुर महानगर पालिका की आपदा व्यवस्थापन टीम ने 80 नागरिकों को सुरक्षित स्थान मनपा की 12 स्कूलों में आश्रय दिया। 18 जुलाई को शहर में 240 मिलीमीटर बरसात होने से बाढ़ की स्थिति निर्माण होने की संभावना थी, जिससे आपातकालीन स्थिति को देखते हुए चंद्रपुर महानगर पालिका प्रशासन के आपदा व्यवस्थापन टीम ने शहर के राष्ट्रवादी नगर, रहमत नगर, जल नगर, तुकुम के संभाव्य बाढ़ग्रस्त भाग में मुहिम चलाकर 80 नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस दौरान कई स्कूली बच्चों को उनके घर पहुंचाया गया, कई नागरिकों को मनपा के स्कूल में स्थानांतरित भी किया गया, जिसमें महात्मा गांधी कन्या स्कूल रैतवारी वार्ड में 45, महात्मा फुले स्कूल घुटकाला वार्ड में 130, स्वामी विवेकानंद स्कूल वड़गांव में 44 नागरिकों को आश्रय दिया गया। स्कूल में खाना पीने का पानी, रहने की और स्वास्थ्य की सुविधा, साथ ही आवश्यक सुविधा दी गई। साथ ही 114 नागरिकों की स्वास्थ्य जांच कर आवश्यकता के अनुसार प्रथम उपचार और दवाइयां भी दी गई। सफाई कर्मियों द्वारा छोटी बड़ी नालियों में जो कूड़ा कचरा फंसा हुआ था उसे साफ किया गया, जिससे सड़क पर पानी जमा हो गया और जिन क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति थी वहां ब्लीचिंग पाउडर डाला गया, फॉगिंग कराई गई। इस काम में 250 से 300 सफाई कर्मचारी शामिल थे। आयुक्त विपिन पालीवाल, इनके निर्देश के अनुसार अतिरिक्त आयुक्त चंदन पाटिल, उपायुक्त अशोक गराटे, मंगेश खौले, सहायक आयुक्त नरेंद्र बोभाटे, सचिन माकोड़े, राहुल पंचबुद्धे बाढ़ सदृश भाग में प्रत्यक्ष भेंट देकर आवश्यक उपाय योजना कर रहे हैं और संभाव्य स्थिति के लिए सज्ज है। भारतीय मौसम विभाग ने जताए अंदाज के मुताबिक आगे अगले 2 दिनों में जोरदार बरसात होने की संभावना से सभी ने सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। आपातकालीन स्थिति में 071-72-25-46-14 या फिर 071-72-25-9406 तथा 8975-99-4277 या 9823-107101 इस क्रमांक पर संपर्क साधे। इसे आए हम, हमारे घर में पानी घुसा करके हम इसको सारा दिया, खाना पीना सब भरा भरा है। अभी पानी है, जरा सा पानी कम हो गया तो हम चले जाएंगे। रत्नगर में रहते, हमारे घर में पानी घुस गया, रात से हम यहाँ आए। ये लोग सब हमारी यानी सेवा कर रहे, खाने से पीने से हर बात से पूरा कर रहे हमारा। 18 जुलाई रोजी चंद्रपूर शहराच्या आणि आजूबाजूच्या परिसरामध्ये जवळपास 240 मिलीमीटर पावसाची नोंद झालेली आहे, जो की अतिवृष्टी ढगफुटी या प्रकारामध्ये मोडतो। आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणात पाऊस हा 6 तासात पडल्यामुळे शहरामध्ये अनेक भागामध्ये पाणी साचले, रोडवर पाणी साचले आणि बऱ्याच नागरिकांच्या घरातसुद्धा पाणी गेलेलं आहे। यासाठी महानगरपालिकेने काल 5 वाजतापासून महानगरपालिकेच्या शाळा आश्रयासाठी नागरिकांच्या ओपन केलेल्या आहेत, तिथे नागरिकांना आश्रयासाठी उपलब्ध करून ठेवल्या आहेत। काल रात्री जवळपास 250 ते 300 नागरिक तिथे आलेले आहेत आणि पुढील 3 दिवससुद्धा अतिवृष्टी चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये सांगितलेली असल्यामुळे सर्व नागरिकांना आवाहन आहे की जर त्यांना पावसाची किंवा पूरसदृश्य परिस्थिती वाटत असेल तात्काळ त्यांनी जवळच्या महानगरपालिकेच्या शाळेमध्ये आश्रय घ्यावा। तसेच महानगरपालिकेचे सर्व पथके, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग हा सक्रिय असून ज्या ज्या ठिकाणी ज्या ज्या संभाव्य उपाययोजना करायच्या आहेत त्याची उपाययोजना महानगरपालिकेमध्ये सुरू आहे।